मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार चुनावी कैंपेन में लगे हुए हैं। आज से नहीं, लेकिन जब से उन्होंने महंगाई राहत कैंप शुरू किया है, तब से वो हर कैंप में जाकर खुद निरीक्षण कर रहे थे और दौरा कर रहे हैं। अब तो खैर चुनाव है, मुख्यमंत्री एक तरह से सिंगल हैंडेडली इस कैंपेन को संभाले हुए हैं। पूर्वी राजस्थान कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। पिछली बार कांग्रेस ने पूर्वी राजस्थान में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। 40 से जो अधिक सीटें हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस के पास पूर्वी राजस्थान में उनके खाते में आई थी। 6 बसपा के पास गई थी, 4 निर्दलीय यहाँ जीत के आए थे और भाजपा यहाँ पर सिर्फ 4 पर सिमट गई थी। इसलिए इस इलाके में करौली, गंगापुर सिटी और यहाँ वैर भरतपुर में अगर कांग्रेस इस बढ़त को बनाए रखती है तो वो बिल्कुल विनिंग पोजीशन में आ जाएगी। कैसे चल रहा है कैंपेन? अच्छा है, पूरे प्रदेश के अंदर कैंपेन में अच्छा हो रहा है, गठबंधन भी अच्छा है। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी सब आ रहे हैं, मेरे अलग प्रोग्राम बन रहे हैं। ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अच्छे कैंपेन चल रहा है। और जो पूर्वी राजस्थान है, पूर्वी राजस्थान आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पिछली बार आपने बहुत बढ़त ली थी यहाँ पे। पूर्वी राजस्थान भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ERCP का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हम लोग बराबर अटैक कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने वादा किया था, वादा खिलाफ भी करी। राष्ट्रीय परियोजना 16 है देश के अंदर, एक ऐड करने में क्या फर्क पड़ता है। PPM ने काम आगे बढ़ाया है, इवन बांध जो थे छूट गए थे उन्होंने इंक्लूड कर दिया। अभी ओवरऑल हमारा कैंपेन अच्छा चल रहा है, पूरे राजस्थान में अच्छा कैंपेन चल रहा है। वैसे उन्हें राजनीति के जादूगर कहते हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कुछ लोग अपने आप को यहाँ पर जादूगर कह रहे हैं। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कुछ लोग यहाँ पर अपने आप को जादूगर बताते हैं। प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोल देते हैं, वो एकदम बौखला गए हैं। राजस्थान के परफॉर्मेंस को, इतने अच्छे काम किए, इतनी स्कीम्स हमारे आई है, इतने अच्छे कानून पास हुए, इतनी अच्छी गारंटी हम दे रहे हैं, उनके पास कहना कुछ भी नहीं है। इसलिए वो कभी जादूगर की बात करेंगे, कभी मेरे मित्र की बात करेंगे, कभी मेरे मित्र बताएंगे, कभी वापस वो कमेंट कर देंगे, बाप बेटे दोनों पे कमेंट कर देंगे। ये मैं समझता हूँ कि उनके बुखलाट का पहचान है। अच्छा, गारंटी की जो बात है वो भी आप गारंटी शब्द यूज कर रहे हैं? वो तो गारंटी शब्द हमसे सीखे हैं। हमने कर्नाटक में गारंटी दी है, हिमाचल में दी है, राजस्थान में गारंटी दे रहे हैं, तो वो गारंटी पे आ गए हैं। असली गारंटी हमारी है जो पब्लिक इंटरेस्ट की है। आप सातों गारंटी को देख लीजिए, एक से बढ़ गई गारंटी हमारे पास। इतनी एनर्जी सर, इस एज में भी आप खूब कर लेते हैं, कहाँ से आती इतनी एनर्जी? पब्लिक, आम जनता से एनर्जी आती है, वही मेरे काम आती है। ये आम जनता की एनर्जी जो है वो कोई विकल्प नहीं है किसी दवा का। देखिए आप कितना प्यार है जी। सर, मैंने देखा है आपके सामने कितनी चुनौतियां आई है, लेकिन आप कभी कभी भी आप ना आप डरे हुए या परेशान नहीं रखते कभी भी। ये एनर्जी का स्रोत है सर। जब चुनौतियां भी आती हैं तो आप कभी परेशान नहीं लगते, ये मैंने नोटिस किया आपके साथ, क्योंकि आप मेरे को, आप मैंने आपको काफी साल से कवर किया है। अगर सच्चाई दिल में हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं होती है, दिल में सच्चाई होनी चाहिए। सर, कैसा लग रहा है अब कैंपेन? ईस्टर्न राजस्थान में काफी बढ़त बढ़ा ली है आप लोग ने। सरकार बनाने वाली है, बनने वाली है, सरकार बनेगी। आम जनता ने तय कर लिया है, जनता माई बाप होती है। मैं समझता हूँ इस बार जनता ने मन बना लिया है, सरकार रिपीट करेगी। सांसद रहे हैं, 5 बार विधायक रहे हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और अशोक गहलोत को इसलिए राजस्थान की राजनीति में जादूगर कहते हैं। वैसे वो जादूगर परिवार से हैं, उनके पिता जादूगर थे और अशोक गहलोत कई बार बताते हैं कि उन्होंने जादू करना सीखा अपने पिता के साथ। वैसे उन्होंने सरकारें चलाई हैं, 101 MLAs की, 100 MLAs की, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर सरकार चलाई है और मैनेजमेंट में वो माहिर है। कभी कभी हंसी मजाक में वो ये भी कहते हैं कि हाथी को मैंने गायब कर दिया, यानी कि जो 6 BSP के MLAs थे उनका विलय अशोक गहलोत ने कांग्रेस में करा दिया। और जब पायलट ने उड़ान भरी
तो वापस पायलट की लैंडिंग कांग्रेस में ही हुई। कहीं ना कहीं इसकी जो श्रेय है वो अशोक गहलोत को जाता है कि उसके बावजूद उन्होंने पूरी 5 साल की सरकार चलाई है। लेकिन क्या अब उनका जादू चल पाएगा, ये देखना आगे है। चुनौतियां कई हैं। 72 साल के अशोक गहलोत एक तरह से एकमात्र चेहरा है कांग्रेस का, खुद चुनावी कमान उन्होंने संभाल रखी है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन चुनौतियां कई हैं। अपने जो समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं उनके बलबूते पे वो चुनाव जीतना चाहते हैं। जादूगर का चुनाव चलेगा या नहीं, जादूगर चुनाव जीत पाएगा या नहीं, आगे देखते हैं चुनावी यात्रा में।